नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबर की। खबर जनपद मिर्जापुर से है। संस्कार भारती और लायंस क्लब मिर्जापुर के तत्वावधान में कजली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी मिर्जापुर दिव्या मित्तल रही। प्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ माता विंध्यवासिनी के चित्र पर माल्यार्पण एवं सांसद राम सकल, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एवं संस्कार भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी, लायंस क्लब के अध्यक्ष शशांक शेखर चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। आज शक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की जन्म उत्सव पर संस्कार भारती एवं लायंस क्लब ने कजली महोत्सव का आयोजन किया। नगर के लाल डिग्गी मोहल्ला स्थित बिरला सभागार में सांसद राम सकल ने कजली सुनाकर अपनी संस्कृति और माटी से जुड़े रहने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में प्रख्यात कजली गायिका उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, रंजना राय, अनीता एवं शिवलाल गुप्ता आदि कलाकारों ने कजली गीतों की मनोहरी प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए झूमने पर विवश कर दिया। अवसर पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि कजली मिर्जापुर की माटी से उत्पन्न व संस्कृति से जुड़ा है, जो उन्हें गांव-गांव में भ्रमण के दौरान दिखाई पड़ा। कजली विधा अपने आप में काफ़ी मनोहारी है, इसे सुनकर मन भाव विभोर हो जाता है। सुनते हैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी एवं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल क्या बता रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी। मैं संस्कार भारती काशी प्रांत का अध्यक्ष हूँ तथा कजली महोत्सव का संयोजक हूँ। जी, आज एक कजली का कार्यक्रम रखा गया है। इसके प्राचीनता, कजली के प्राचीनता के साथ साथ जो है इसके बारे में बताएं। कजली कज्जला देवी के नाम से शुरू हुआ और इसका इतिहास अभी भी पूरा कोई नहीं जानता, लेकिन आप ये जान लें कि कजली ये वैदिक काल से गाया जा रहा है और ये माँ विंध्यवासिनी के जयंती के अवसर पर पूरे जनपद, अगल बगल के जनपद में गांव-गांव, घर-घर कजली गाने की परंपरा थी और ये मान्यता थी कि कजली अर्थात देवी के जागरण के दिन, देवी के जयंती के दिन देवी को कजली सुनाने से वो सद्यः प्रसन्न होती हैं और मनवांछित वरदान देती हैं। इस धारणा से, इस कामना से, इस भावना से पूरे अपने आसपास के क्षेत्र में कजली गाने की परंपरा रही। जी मैम, बताइए कजली महोत्सव का आयोजन किया गया क्या है? ये आज संस्कार भारती द्वारा और लायंस क्लब के साथ मिलकर यहाँ पे कजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और बहुत प्रसन्नता की बात है क्योंकि कजरी की जो उत्पत्ति की भूमि है वो मिर्ज़ापुरी है। तो यहाँ पे अलग अलग ये जो महोत्सव आयोजन हो रहे हैं, इसे हम लोग सब कजरी को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों को साधुवाद।